गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज मंडे। आज हम कौन सा सब्जेक्ट करेंगे? हिंदी सब्जेक्ट करेंगे। हिंदी में आज स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, ओके। वर्णमाला में सबसे पहले क्या आते हैं? स्वर। स्वर में क्या आता है? अ से आहा तक। अ से आहा तक क्या आता है वर्णमाला में? अ से आहा तक। तो पहले हम ये सीख लेते हैं, फिर इसकी मात्राओं के वर्ड्स करेंगे, ओके। तो स्वर अ से आहा तक, तो पहले करेंगे छोटे अ से अनार, छोटे अ से अनार, बड़े अ से, बड़े अ से आम, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, बड़ी से ई, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन। और हिंदी को हमेशा हम किस में लिखते हैं? डबल लाइन नोटबुक में। किस में लिखते हैं? डबल लाइन नोटबुक में। तो छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से एनार, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आ खाली, ओके। समझ में आया? और इसको हम किस पर लिखेंगे? डबल लाइन में लिखेंगे। छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख, छोटे उसे उल्लू, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एड़ी, आई से ऐनक, आई से ऐनक, आई से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, अम से अंगूर, अम से अंगूर, आहा खाली। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इसको 10 टाइम्स पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरह से लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उ से उल्लू, बड़े उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली, ओके। इसको हम टू टाइम्स लिखते हैं, बिकॉज से क्या था, फिर बारह खड़ी। छोटे अ से, इसको देखो हम किस में लिख रहे हैं? डबल लाइन में लिख रहे हैं। ऐसे आप डबल लाइन नोटबुक लेना। छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उ से उल्लू, बड़े उ से ऊन, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐना,
से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खली, आहा खली। आपको इस तरह से रन बार करना है और डबल लाइन नोटबुक में ऐसे ही लिखना है। ओके, छोटे आसा नार, बड़े आसे आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईद, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। Thank you.
न्याखली। ज से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, न्याखली। ड से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न्याखली। त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, न से नल। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मछली। य से यज्ञ, र से रथ, द से लड़का, व से वजन, श से शरबत, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाल, छ से छत्री, ठ से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। आपको ये क्या कहलाते हैं? ये स्वर नहीं है, ये क्या कहलाएंगे? व्यंजन। क्या कहलाएंगे? स्वर तो अपन ने सीखे थे, ये आ जाएगा व्यंजन। अच्छी तरह से करिए, व्यंजन है ऐसा है। ओके, अच्छी तरह से रन करिए।
ओके, तो आज अपन ने क्या किया है, क से स्वर किया और व्यंजन किया, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगी, मात्राएं सिखाऊंगी। स्टे से स्टे करूँगी।